हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शहर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित दौरे के दौरान सुमेरपुर कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार करने दोपहर 1 बजे हेलीपैड पर पहुंच गाड़ी से सभा स्थल गांधी चौराहे पर पहुंच सभा को संबोधित किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय नेताओं के नाम बारी बारी से लिए। संबोधन में राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की, स्थानीय मुद्दों पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के हेलीपैड पर उतरने के बाद सभा स्थल पहुंचे तब तक चेहरे पर पूरी तरह से मायूसी रही। पूर्व मुख्यमंत्री संबोधन के समय फिसली जुबान से बोले कि सुमेरपुर प्रत्याशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल ने वोट देकर भेज दिया। पूर्व मुख्यमंत्री से मीडिया ने स्थानीय मुद्दों व स्थानीय प्रत्याशी के बारे में चर्चा करने की काफी कोशिश की, लेकिन मीडिया से दूरी बनाए रखी। अगर हम सभा में भीड़ की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री के हिसाब से ज्यादा भीड़ नहीं जुटा पाई, जो नाम मात्र की भीड़ दिखाई दी। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा सुमेरपुर में खारे पानी को लेकर लोगों को गुमराह करने मीडिया ने कांग्रेस SBC प्रदेश अध्यक्ष पेमाराम देवासी, सुमेर सिंह राजपुरोहित, पाबू सिंह से भी चर्चा की तो बताया कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी खारे पानी की समस्या नहीं है। यहाँ पर जवाई बांध का पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। जो इस प्रकार से प्रत्याशी बोल रहे हैं तो वह उनके नॉलेज से बाहर की बात है। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।